और राजनाथ सिंह एलएसी का दौरा कर रहे हैं। आज बताते हैं विजयदशमी के मौके पर वो दार्जिलिंग में हैं। इसके पहले उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और विजयदशमी के मौके पर जो शस्त्र पूजन की परंपरा है, आज इस बार ये शस्त्र पूजन एलएसी पर ही कर रहे हैं राजनाथ सिंह। शक्ति पूजा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस दशहरे पर एलएसी पर ये विशेष पूजा हो रही है। हर साल विजयदशमी पर जो विजय पर्व मनाया जाता है, मंत्रोच्चार के साथ पूजा पुष्पम समर्पयामि, पुष्पमाल्यां समर्पयामि, पुष्पान्ते धूपम्। ओम धूरसि धुर्व धुर्वन्तं धुर्वतं योस्मान् धुर्वतितं धुर्वयं वयं धुर्वामः। देवानामसि वहनितमग्धुं सशितमं प्रपितमं युषितमं देवहूतमम्। धूपं माघ्रापयामि वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः। आघ्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां। धूपं माघ्रापयामि ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः। ऊरू तदप्यद्वैष्यः पद्भ्यां शुद्रो वजायत। वनस्पतिरसोद्धूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः। आघ्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां। धूपान्ते दीपम्। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो वजायत। स्रोत्रा वायुश्च प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निनां योजितं मया। दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापहं। प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा। सूर्यो ज्योति ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वचो ज्योतिवर्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम नाभ्या आसीत् अन्तरिक्षं शिष्टो देवः समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोतान् तथा लोकान् अकल्पयन्। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। पुराचमनीयं मध्ये पानीयं करप्रक्षलनार्थे मुख प्रक्षलनार्थे आचमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरान एलएसी दौरे पर हैं। दार्जिलिंग की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और विजयदशमी के मौके पर हर साल जिस तरह से परंपरा रही है पूजा अर्चना की, तो ये तस्वीर इस बार पूजा करते हुए दार्जिलिंग से सामने आई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै प्रणाम। विजयदशमी की शुभकामनाएं देशवासियों को दी और खुद ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि इस बार का विजयदशमी का जो पर्व है उनका एलएसी पर है। दार्जिलिंग में वो रहने वाले हैं इस बार विजयदशमी के पर्व पर और दार्जिलिंग की धरती से देशवासियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी है ट्वीट पर। सार्वभौमः सार्वायुखान्तार्धात् पराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति। तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे आवीक्षितस्य काम्प्रेर्विश्वे देवा सभासदैते। ॐ विश्वतः चक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यान्तमति सम्पतत्रै द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। दार्जिलिंग से सीधी तस्वीरें, पहले जो एक विशेष पूजा अर्चना की जाती है वो और अब शस्त्र पूजन करते हुए तस्वीरें। दार्जिलिंग में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद में अब शस्त्रों की पूजा की जा रही है। विजयदशमी पर शस्त्र पूजन का क्या महत्व है ये हम हर साल देखते हैं। पिछले साल फ्रांस जाकर राफेल की पूजा की थी और इस बार एलएसी पर सीधे सीधे ये शस्त्र पूजन करते हुए दुश्मन देशों को संदेश देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिहृतम। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिहृतम। पुष्पम समर्पयामि पुष्पमाल्यां समर्पयामि। भारतीय बेड़े में किस तरह की एडवांस मिसाइल्स एडवांस हथियार हैं, ऐसे ऐसे हथियार के दुश्मन देशों की नींद फाकता कर दे, होश फाकता कर दे
और ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी हम इसे कह सकते हैं। और ये शक्ति प्रदर्शन उन तमाम मुल्कों के लिए जो लगातार भारत को चुनौती देने की गुस्ताखी कर रहे हैं, ये वो बखूबी जानते हैं कि आखिर अगर भारत ने पहल की, भारत ने जवाब दिया तो क्या हश्र होगा। हश्र वही होगा जो दशहरे पर रावण का हुआ था, हश्र वही होगा जो श्री राम ने जीत हासिल करते हुए रावण का किया था। विजय पर्व इसीलिए मनाया जाता है और विजय पर्व पर भारत में अस्त्र पूजा का भी, शस्त्र पूजा का भी खास महत्व है। ये तस्वीरें दार्जिलिंग से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शस्त्र पूजन करते हुए। माल्यादीनि सुगंधेनि मालक्यादीनि।